सीरीज ऑफ टू लेगेड सिरप। ये टू लेगेड सिरप क्या है? सिरप जिसका दो लेग है, ये एक लेग और ये दूसरा लेग। तो इसका हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो ये कैसे करते हैं? तो सोचिए कि एक बीम है, ये एक बीम है 400x250 का, 400x250 का एक बीम है। उसका कॉवर दिया हुआ है ड्राइंग में 25mm, साइड कवर और बॉटम टॉप कवर। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, उस पहले समझिए, ये जो स्टिरअप है इसका सेंटर लाइन में हम आएंगे, इसका सेंटर लाइन का लेंथ हम निकालेंगे। तो इसका सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहले ये जो साइड है इसको हम पकड़ लिया ए, ये जो बीम का साइड है इसको हम पकड़ लिया ए। तो अब ए से क्या घटेगा, से पहले घटेगा इस साइड का पावर और इस साइड का पावर, दो साइड का पावर क्या है 25mm करके, तो दो साइड का पावर घट गया, तो 400 minus 25 into 250। और क्या घटेगा, अब तो हम आए हैं ये स्टिरअप का आउट फेस में, यहाँ पे हम आए। अब इसका जो सेंटर लाइन है यहाँ पे हमको आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि सेंटर लाइन निकलना पड़ेगा हमको, यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन है। तो ये अगर 8 डाय का सिरप है, ये ड्राइंग में दिया हुआ था 8 डाय का सिरप है, तो ये सेंटर लाइन क्या होगा 8/2 4। तो देखिए 4 घट गया, अब 2 into 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस साइड में भी है इस साइड में भी, तो हम आ गए यहाँ पे सेंटर लाइन में आ गए। सोचिए कि ऊपर है नीचे, सेंटर लाइन में हम आ गए, पूरा सेंटर लाइन का ये जो है इसको हम ए डैश सोच लेते हैं। A' का वैल्यू हो गया कैलकुलेट करके 342 mm। अभी आ जाते हैं इस साइड, ये वाला साइड जो हम B लिखे 250, जो B था B से भी सेम, B से भी 25 mm साइड कवर घट जाएगा, सेम एज A। तो 25 into 2 सेम करके 50, और सेंटर लाइन में तो आना पड़ेगा, तो सेंटर लाइन में आ गए 2 into 4 घट गया, ये 4 क्योंकि ये 8 डाय का सिरप है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों साइड पर है, तो आ गया यहाँ पे 192, या आ गया हमारा ए डैश एंड बी डैश। हम आ गए सेंटर लाइन में, ये ए डैश ये बी डैश, इजी। अब हम आते हैं इसका कटिंग लेंथ, पहले तो पेरीमीटर निकल लेंगे इसका, पेरिमीटर निकल लेंगे तो पूरा ट्रायंगल लेंथ चला आएगा 2 into a' + b' इजी। अब क्या है, इसमें हमारा दोनों हुक है, ये जो हुक है इसका, इसको निकलने के लिए हमको 10d करके ऐड करना पड़ेगा, दो हुक है इसीलिए 2 into 10d। डी क्या है, डी है सिरप का डायमीटर, मतलब यहाँ पे 8, तो 2 into 10d। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज है, ये क्या है, ये जो स्टिरअप है इसका बेंड्स है, और हमको बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा बीवीएस में। तो बेंड कैसे डिडक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम, हमारा जो बेंड है वो ये देखिए 90 degree अगर होगा तो बेंड डिडक्शन होगा 2d, 45 degree होगा तो होगा d, और 135 degree होगा तो होगा 3d। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बेंड है। तो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधा साधा तीन बेंड है, तीन जो बेंड है ये पूरा 90 degree का बेंड है, तो देखने से ही पता चल रहा है 3 bends are there with 90 degree angle। सो 2d into 3 घट जाए, सीधा घट जाएगा, 2d into 3 घट गया। अब बचा रहा यहाँ पे जो दो बेंड है, ये हुक के लिए जो दो बेंड है ये 135 degree रखते हैं, 135 degree रखते हैं, इसका क्या होगा, इसका 3d करके डिडक्शन होगा जैसे कि हम दिया हुआ है। तो 3d into 2 क्योंकि दो है, यहाँ पे एक है यहाँ पे, तो 3d into 2। अब वैल्यूज पुट करने के बाद 2 into हमने वैल्यू जो निकल रखा था ए डैश का, वैल्यू पुट कर दिया 192, बी डैश पुट कर दिया, डी है आपका 8, 10 into 8, 80, 80 into 160, put कर दिया, B है आपका 8, 2B 16 into 348,
कर दिया 3 to 6 into 48 फुट कर दिया तो आ जाता है आपका। ये है 113 टेप। ऐसे हम 2 लेग सिरप का